ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब आके बैठे हो। अरे वाह, परदादी भी आई है। कहा तुम नीचे कहा बैठी? अहो बहुए नीचे जमीन पे, वाह क्या बात है, सम्मान। तो गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं और अब निकल रहे हैं। चलो ठीक है, ये उन्नाव जंक्शन 2 बजने वाले हैं रात के और अब ट्रेन है। चलो मम्मी इंतजार कर रही तुम्हारा, कितने खुश हो, देखो मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए, बाबू से मिलने के लिए, सबसे। और मजदूर आदमी ने थैला उठा रखा है। तो रोशनी आ चुकी है, हमारी ट्रेन आने वाली है। ये एक्साइटेड हो? ये ट्रेन का पेट्रोल खत्म हो गया आज तो। अरे तुम यार बुरी नजर वाले। यार सबसे बड़ी बात, ट्रेन डीजल से चलती है, बिजली से चलती है, इतने लंबे लंबे तार लगा रखे हैं। ओहो चांद, ये तो अपना ही है भाई, मामा है, चंदा मामा। तो फाइनली हम लोग इटावा आ चुके हैं। ये जीजी का, जीजी मैंने कहा ट्रेन में चढ़ेगी क्या फिर से? तो फाइनली दादा भाभी भी आ चुके हैं। हेलो, हेलो बोला, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो हम दोनों की गाड़ी लगभग लगभग साथ में आई है। हम भी आए वैशाली से। तो चलते हैं अभी घर। तो जीजी और दादा पहली बार आए मेरे फ्लैट में। अरे मोती काय परेशान हो रहे, ले लिया है आपकी बिटिया को, खुश बाबा के पैर छू क्या? बाबा के पैर छू, अभी 5 बजे सोया। जब जग जाएगा तब सुलाइयो, अभी तो सोते हुए कोई भी खिला लेगा। अरे परी भी आ गई, दीदी नमस्ते। तुम्हारे दांत कहाँ गए? अरे अरे देवू सब इकट्ठे हो गए, वाह। अब कौन सी खुशखबरी है जो सब इकट्ठे हो गए? जूते भाभी की भी पहली पेमेंट आ चुकी है और दीदी की भी पहली पेमेंट आ चुकी है, अब पार्टी होगी। आज ही तेरे को एक चीज दिखाऊं, इधर दादा आ जा, तेरे को एक चीज दिखाऊं इधर। आओ 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 आओ, अरे आओ एसी, अरे आओ तो सही एसी, अरे आओ कोई बात नहीं, अरे आओ तो सही एसी। देख इसी के वजह से सारा बवाल हुआ था। तो ये देखिए कितनी चिल्लम चिल्ली हो गई है, सब ये लोग कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सबको, मेरा ये झूठ लग रहा है कि मैंने नोएडा बोल के इटावा में रह लिया, जबकि मैं सबको बता चुका हूँ कि मेरी कोई सिचुएशन खराब थी, मैंने ये बोला था कि जब मेरा घर बनना शुरू हो जाएगा तब मैं सबको बता ही दूंगा, और मैंने बता दिया। फिर भी ये पब्लिक को करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। बेटी आ गई, बेटा आ गए, बहू आ गई, कैसा लग रहा है? बेटा कैसे किस्मत खराब है, 148 वेटिंग थी भाभी। थर्ड एसी में मैंने जीजी का भी कराया, थर्ड एसी में आपका भी कराया, 1-2 पे आके अटक गया तू, और जीजी को मैंने कल ही कराया, कल ही एसी में लेट के आई, और फिर भी पता है क्या कह रही, अब मैं एसी में नहीं आऊंगी, ठंड ज्यादा लग रही है, अगली बार तेको जनरल में लाऊंगा। हाँ आपका भी एसी का ही है, कन्फर्म होगा नहीं होगा वो अब वो देखते हैं। तो गाइस आज सुबह हो चुकी है और सुबह का नाश्ता है पोहा और चाय, आ जाओ नाश्ता कर लो। तो गाइस ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, 2 और रो रहे हैं, इधर आओ। सबकी मम्मी आ गई है बाहर मार्केट में शॉपिंग करने, ये तीनों नहीं रोए लेकिन ये दोनों बहुत रोए, तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ निकाला है। इधर आओ, इधर आओ, ए बच्चे इधर आओ मेरे सामने। मम्मी आपकी मार्केट गई है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? दुड़िया चाहिए, मामा लाएंगे आपके लिए गुड़िया, इधर बैठो आके, तुम आओ इधर बैठो। आपको क्या चाहिए? रिमोट वाली हेलीकॉप्टर, रिमोट वाली हेलीकॉप्टर। हाँ। आपका बजट मांग लिया ये तो। आपके लिए आएगी,
लाएंगे, आप इधर आके बैठो, मामा लाएंगे आपके लिए, इधर आइए। मामा चलाई साइकिल, पापा चलाए साइकिल, लौंडा को चाहिए चाबी वाला। हाँ बेटा, आपको क्या चाहिए? स्मार्ट वॉच। अखबार तुम्हारे लिए? क्या स्मार्ट वॉच? आओ बैठो इधर। मौसा ने आज तक वॉच नहीं पहनी, तुम्हें स्मार्ट वॉच चाहिए? लाएंगे, टच वाली और चाहिए, मौसा लाएंगे तुम्हारे लिए। इधर आओ, इधर आओ। आपको क्या चाहिए बेटा? ये तीनों दे, तेरे को क्या चाहिए? मुझे हाँ रक्षाबंधन के बाद। तो इन तीनों, ये देखो ये तीनों कितने समझदार बच्चे, रोते नहीं है, लेकिन ये दोनों रुतेड़े हैं, रोज आते हैं। तो इन तीनों के लिए लेने जाएंगे स्मार्ट वॉच, गुड़िया, साइकिल। मैं ले जाऊंगा क्या? रिमोट वाला हेलीकॉप्टर लाएंगे, कौन सा लेके आएंगे? मामा लेके आएंगे, उनके लिए नहीं लाऊंगा। नहीं मैम, अरे यार महंगी चीज नहीं खरीद पाऊंगा तुम्हारे लिए, नहीं ला पाऊंगा, आज ही लाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? आपने स्मार्ट वॉच नहीं देखी? मैंने नहीं देखी बेटा, हमारे यहाँ तो ये वाली है, वो भी फ्री में किसी ने दी थी। वॉच माने घड़ी होती है, तो ये भी घड़ी है, ये वाली ले लो तुम। दिलाऊंगा, चलो तुम्हारे लिए स्मार्ट वॉच। गाने सुन रहे हो? क्या चलाऊं? एलविश यादव चलाऊं? एलविश यादव चला देता हूँ भाई, जब से एलविश यादव भाई बिग बॉस में आए तब से बच्चे भी फैन हो गए हैं। यही है ना एलविश यादव? पक्का आ गई मार के से। ब्लॉगर एक और नया पैदा हो गया। कंपटीशन होत रहा हूं मैं। वेरी गुड। किससे कंपटीशन किससे कर रहे हो बेटा? आपसे। अपनों से कभी कंपटीशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मोटिवेशन आपसे मिलता है। नहीं मैं कह रहा हूँ बंद कर दो यार, मेरे को डर लग रहा है। ये देखो ये मोती लेटा और ये देखो दोनों भाई एक जैसे। तो अब मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, क्या क्या लेके आना है स्वाति तुम व्हाट्सअप कर दो। जी तेरे के लेके आना है? बहन आई है तो घेवर लेके आती है, मेरे से मंगवा रही है। रात में आई थी। अच्छा पैसे दे। ओ एटीएम ब्लॉगर, एटीएम बोला। एकता दीदी सोच रहे सही टाइम पे हमारी पेमेंट अच्छा हुआ नहीं आई, अगले महीने आएगी, पूरा बचेगा पूरा पैसा अकाउंट में। नहीं दीपावली है यार, अगले महीने थोड़ी है, तब तक फिर आ जाएगी। तो देखो सबके सारे ब्लॉगर हैं, सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, सब मेहनत कर रहे हैं, करो ऐसे ही, कमाओ पैसा, खर्च करो भाई पर। कितना लाऊं गेवर? 2-3 किलो ले आऊं? 1 किलो। ओके तो गाइस हमारे यहाँ रक्षाबंधन 31 तारीख को सुबह 7 बजे से पहले मनाई जाएगी, ऐसा सिस्टम कुछ हो रखा है। अभी करते हैं सारा सामान वगैरह ले आते हैं, घेवर वगैरह लेके आते हैं, चले चलो चलो। आज विजयनगर चौराहे पे बड़ी भीड़ है और मैं लेने आया हूँ घेवर वगैरह। बुआ आ रही? नहीं आ रही, भाई बात वही मैंने कर रही। आ रही कब? कितनी देर पहले? कल बात करी, वो इटावा में ही अभी मेरे उससे बात करी तो पीछे से चाची की आवाज आ रही थी। चाची बुआ आ रही? आई। हाँ सब आ गए। ये आइए आपका इंतजार था। हेलो दीदी नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन। चाची नमस्ते, दीदी नमस्ते, और खुश रहो बेटा, खुश रहो।
बुआ जी नमस्ते, दीदी नमस्ते। हाँ बुआ, छोटी सी हवेली में किराए की है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी होगा किसी दिन। आपको सबसे पहले मैं एसी वाले कमरे में लेके चलता हूँ। ये हमारा एसी वाला कमरा। ठंडी आई हवा? ठंडी हवा आई बुआ? जैसी मेरे को शिवा ने फोन किया, मेरे को पीछे चाची की आवाज आ गई, मैं समझ गया, मैंने कहा इटावा में आपका स्वागत है। और भाई मेरे को ना, मेरे को नॉर्मल कॉल किया करो, ठीक है? व्हाट्सएप पे कर दो तो, पता नहीं किस नंबर से। तो सारे मेहमान आ चुके हैं, दादी ऊपर आके थक गई। दादी पानी दो, पानी दो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब आके बैठे। ओहो हो, अरे वाह, पर दादी भी आई हैं। कहा तुम नीचे कहा बैठी? ओहो बहुए नीचे जमीन पे, वाह क्या बात है, सम्मान। सही बात। तो आ जाओ चाय नाश्ता करते हैं, जिस जिसको करना है। भाभी ने मेहंदी लगवा ली है, और आज पहली बार लगा रही भाभी मुहावर, क्या बात, पहली बार लगा रही है।